मेरे बचपन से राशन कार्ड हुआ करते थे और सब लोग राशन लिया करते थे। लॉकडाउन में काफ़ी इन्होंने राशन बांटा और चुनाव भी हुआ, काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, हो सकता है उसको पूरा करने के लिए ये नया तरीका जो अपनाया जा रहा है। उसमें तो सबसे पहले उनको भी पकड़ना चाहिए जो जिन्होंने कार्ड बनाया है, जो जिनके जरिए कार्ड बना है उन्होंने क्या पहले नहीं देखा कि ये पात्र है या अपात्र। आम पब्लिक में ये रूमर जाएगा कि सरकार ने उनको दंडात्मक कार्रवाई कर, ऐसे में तुमको क्या लग रहा है सरकार की जो है किस तरह की छवि जो है लोगों के बीच में जाएगी? क्योंकि ये राशन कार्ड जिसके कटेंगे तो स्वाभाविक रूप से आम पब्लिक जो है नाराज होगी सरकार से। अब राजनीति का एक मतलब मुद्दा बन ही गया है और गरीब असहाय लोग हैं जो इसी राशन से अपने जीवन यापन बिता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अगर आप यूपी में रहते हैं और आपके घर में एसी, मोटरसाइकिल या कलर टीवी है तो अब आप सरकारी राशन लेने के हकदार नहीं हैं। लिहाजा अब आपको जल्द से जल्द अपना राशन कार्ड वापस करना होगा। ऐसे में क्या सोचती है अमेठी जिले की जनता, इसके बारे में जानने के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने आम लोगों से बात की। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं अमेठी जिला के कमरौली में। जैसा कि विधानसभा में अभी देखा गया कि राशन कार्ड राशन को लेकर चुनाव विधानसभा जीता गया, ऐसा लोगों का मानना था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद तुरंत से एक आदेश फिर से पारित हुआ है कि क्राइटेरिया कर दिया गया है जिसमें राशन कार्ड को वापस करने के लिए कहा गया है। लगातार लोगों में एक भय सा बना हुआ है, लोगों में एक संशय सा बना हुआ है। आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से। जी, आपका नाम क्या है? क्या लग रहा है अभी जो आदेश निकला है इसके बारे में, कि आपको पूरी जानकारी है? नहीं, मेरे को इतनी जानकारी है कि कुछ लोगों के राशन कार्ड जो है काटे जा रहे हैं, जो ये गलत है क्योंकि इससे पहले कोई चुनाव से पहले कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं बनी थी, क्योंकि चुनाव राशन कार्ड को लेकर भी एक मुद्दा था। राशन कार्ड को राशन मिल रहा है तो सारे लोग भी हैं सरकार को ये मांग करके हमको फ्यूचर में भी सरकार जो राशन देगी, तो ऐसे में अगर अचानक राशन कार्ड काट दिया जाता है, जो क्राइटेरिया बनी है उसके हिसाब से मेरे ख्याल से 90% से ऊपर लोगों का राशन कार्ड कटा है, तो ये काटना ही है। तो सरकार को हम बताना चाहते हैं कि इनके पास सारे तंत्र है, मौजूद है, जो गांव-गांव जाके सर्वे करा के ऑटोमेटिक उसको कटवा दें। सरकार पर सरकार की छवि भी इससे बनी रहेगी, उसका रीजन बता दिया जाएगा जिसका कटेगा, और नहीं तो आम पब्लिक में ये रूमर जाएगा कि सरकार ने उनको दंडात्मक कार्रवाई कर, ये अच्छा नहीं। क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव तो जीता गया, भाजपा ने जीता है, लोकसभा चुनाव में इस राशन कार्ड को लेकर कुछ बदलाव या कुछ असर दिखेगा? निश्चित रूप से, क्योंकि ये राशन कार्ड जिसके कटेंगे तो स्वाभाविक रूप से आम पब्लिक जो है नाराज होगी सरकार से, तो आने वाले टाइम में सरकार के लिए शिक्षा भी हो सकती है आने वाले लोकसभा चुनाव। जैसा कि इन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव जीत गया, लेकिन ये राशन कार्ड का मुद्दा आगे विधान लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा सकती है। आप बात करते हैं अपने बगल एक और साथी से, ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश गुप्ता विशु है। अभी जो आदेश राशन कार्ड को लेकर जो है निकला है, जो नियम निकला है, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, चूँकि ये नियम अब से लागू कर रहे हैं कि जैसा कि सब कोई अपना राशन कार्ड जमा कर रहे हैं, और ये भी मतलब कह रहे हैं कि जिसके पास 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन है तो उसका राशन कार्ड जो है जब कर लिया जाएगा उसे राशन कार्ड नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा। और जिनके पास 4-व्हीलर गाड़ियां हैं उनका भी नाम जो है काट दिया जाएगा। ये देखा जाए तो अब राजनीति का एक मतलब मुद्दा बन ही गया है। इन चुनाव के पहले बहुत कुछ इन्होंने देने का जो है वो किया, देते रहे अभी तक। आखिर ये कार्ड देने से जनता में आक्रोश तो आएगा ही, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है और गरीब असहाय लोग हैं जो इसी राशन से अपने जीवन यापन बिता रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव हुआ है और काफ़ी समय भी चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा समय बीता नहीं, ऐसे में तुमको क्या लग रहा है सरकार की जो है किस तरह की छवि जो है लोगों के बीच में जाएगी? छवि तो धूमिल अभी से ही होना शुरू हो गई जब से ये सूचनाएँ आ रही हैं, काफ़ी लोगों में चर्चाएँ चल रही हैं कि गलत हो रहा है। अब चाहे वो चुनाव में जो पैसा खर्च हुआ या उसकी ये भरपाई कर रहे हैं,
काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो है मिल रही हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि राशन कार्ड से ही इसकी भरपाई हुई, क्या राशन कार्ड और राशन से ही जो चुनाव जीता गया? एक्चुअली सर आपने खुद भी देखा लॉकडाउन में काफ़ी इन्होंने राशन बांटा और चुनाव भी हुआ, काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, हो सकता है उसको पूरा करने के लिए ये नया तरीका जो है अपनाया जा रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि ये गलत, ये मैं ही नहीं पूरा अमेठी ज़्यादातर सब यही चीज़ बोल रहे हैं, ये चीज़ गलत की है, इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी हो सकता है आने वाले चुनाव। देखिए राशन का मसला जो राशन कार्ड का जो चल रहा है, राशन कार्ड तो मुझे लगता है कि काफ़ी समय से मेरे बचपन से राशन कार्ड हुआ करते थे और सब लोग राशन लिया करते थे और क्या नाम है, राशन कार्ड का प्रयोग भी कई जगह पर सरकारी कामों में हुआ करता था, मान लीजिए वोट देने गए तो राशन कार्ड दिखाया जाता था। मगर अब ये पात्र और अपात्र की जो बात चल रही है और मुझे नहीं लगता कोई अपात्र लोग इसमें कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिससे दिक्कत हो रही। और रही बात सरकार की जो आदेश दिया है उसने, तो उसमें तो सबसे पहले उनको भी पकड़ना चाहिए जो जिन्होंने कार्ड बनाया है, जो जिन्होंने जिनके जरिए कार्ड बना है उन्होंने क्या पहले नहीं देखा कि ये पात्र है या अपात्र है। अभी जैसे जो नियम लागू किया जा रहा है, एक माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव राशन को लेकर ही बहुत अच्छे तरीके से जो चुनाव जीता है भाजपा, ऐसे में जबकि नियम लागू किया तो काफ़ी संख्या में राशन जो है राशन कार्ड कट जाएंगे, लोगों को राशन नहीं मिलेगा, इसका प्रभाव क्या मिलेगा अभी लोकसभा चुनाव पर? देखिए अब तो जाहिर सी बात है तो जो है राशन मिल रहा लोगों को, राशन ले रहे जो पात्र में लोग ले रहे, अब अचानक ऐसी स्थिति पैदा होगी तो बहुत से दिक्कतें तो आएंगी, क्योंकि जो लोग ले रहे हैं जो पात्र हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं अब गाड़ी है और यह है तो मतलब कुल मिला के कहीं ना कहीं मैनेज ही कर लेगा। छोटा छोटा आदमी गाड़ी मोटरसाइकिल उसे चल रहा है, उससे क्या पड़ता है कि उसको मतलब वो हैसियत में ऐसा नहीं, मगर लोग पात्र हैं। मगर अगर ऐसी स्थिति आई तो बहुत से लोग अपात्र हो जाएंगे इससे, और जिसका असर पड़ने वाला है, मुझे लगता है पड़ने वाला है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पड़ेगा इसके ऊपर। जैसा कि राशन कार्ड के नया नियम लागू हो चुका है, लोग सरेंडर भी कर रहे हैं, लेकिन इसका असर सीधा सीधा पब्लिक में दिखाई दे रहा है और आगे लोकसभा चुनाव में इसका असर लोगों के कहने के हिसाब से पड़ेगा ही पड़ेगा। अमेठी से न्यूज टाइम नेशन के लिए कैमरा पर्सन वसीम के साथ मोहम्मद रफी। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। साथ ही अगर आप इस वीडियो से यूट्यूब पर रूबरू हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।